हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलटेल के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आपको डाउन ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक की एक अपडेट आ गई है। अपडेट क्या है डिटेल से समझेंगे, और इस अपडेट का इस पे कैसा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो भी हम डिटेल से समझेंगे, और चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और क्या इसके स्पॉट और टारगेट रहने वाले डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आपने इसमें अपनी पोजिशन बना रखी है या फिर आप बनाना चाहते हो तो। अब सबसे पहले हम समझते हैं अपडेट। रेलटेल को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर की डिटेल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज BSE को दी सूचना के मुताबिक रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेंट्रल वायर हाउसिंग कॉरपोरेशन से एक ठेका मिला है। इसकी वैल्यू 51,53,29,790 रुपये की है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसके तहत कंपनी को देश भर में मॉडर्न वीडियो सर्विलांस सिस्टम को सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग करने का रेलवे PUC का यह ऑर्डर मिला है, और 30 नवंबर 2029 तक ये पूरा ऑर्डर इनको करना है। आप पे सोच सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्डर आप कह सकते हो, काफ़ी बड़ा ऑर्डर आप कह सकते हो। इसके बेस पे आपको स्टॉक में पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि भाई चार्ट पे कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ऐसे फ्रेंड्स, अपडेट से तो हमें स्टॉक में पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी हमें इसका स्पॉट और टारगेट पता होने चाहिए। तो समझते हैं सबसे पहले इसका स्पॉट। स्पॉट जो इसने प्रीवियस क्लोजिंग पे लिया था, पहला स्पॉट वही है 348 का, जो कि मल्टी टाइम स्टॉक ने यहाँ पे स्पॉट लिया है। उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो 303 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल के बीच में रिस्टेंस हम देखते हैं कि भाई कैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट रिस्टेंस रहेगा 386 के आसपास का, सेकंड रहेगा 407 का, और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ये इसके हाई प्राइस 480 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो पॉजिटिव माहौल बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कमेंट जरूर करना, ताकि हमारी ऑडियंस का और आपका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो पाए, ताकि पता भी रहे कि किसने कितने प्राइस पे बाई कर रखा, वो भी कमेंट करना। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।